जय माता दी, सभी को स्वागत है आप सभी को चैनल में एक बार फिर से। आशा करता हूँ माता रानी और महादेव की कृपा आप पर बन रही होगी। तो आज हम बात करेंगे मंत्र सिद्धि के ऊपर। तो मंत्र सिद्धि आखिर है क्या, कैसे होता है मंत्र सिद्ध, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मंत्र सिद्धि आखिर है क्या, तो मंत्र सिद्धि ये है कि हमारे शरीर जब किसी निश्चित मंत्र के द्वारा उस मंत्र से संबंधित ऊर्जा को हमारे शरीर में खींचने लगता है तो हम उसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। तो इसके स्टेप कैसे कैसे होते हैं, तो इसके दो स्टेप हैं। सबसे पहला उस मंत्र का तत्व जागरण होना, दूसरा उस मंत्र की सिद्धि होना। फॉर एग्जांपल अब पहले हम बताते हैं मंत्र का तत्व जागरण कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये जो टीवी देखते हैं, टीवी में चैनल आते हैं, फिल्म आते हैं जो डिश एंटेना से आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट होती है और वहाँ से वेव और फ्रिक्वेंसी छोड़ती है और वो डिश एंटेना कैच कर हमारी टीवी में दिखाती है। ठीक उसी तरह मंत्र सिद्धि में क्या होता है, जब हम किसी मंत्र का पहला अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि हम लोग सवा सवा लाख का अनुष्ठान करते हैं, उसमें क्या होता है कि उस मंत्र से संबंधित तत्व जो हमारे शरीर में होता है वो जागृत होने लगता है और वो जागृत होने के बाद उस डिश एंटेना जैसे ही काम करता है। तो फिर जब वो तत्व जागृत हो जाता है तो हम उस मंत्र का जाप करते हैं, तो वो तत्व जो ब्रह्मांड में उस मंत्र से संबंधित ऊर्जा है, जो उस मंत्र का ऊर्जा है, उसको खींचने लगती है हमारे शरीर में। तो इस हिसाब से मंत्र जाप और मंत्र सिद्धि होते हैं। जब मंत्र का तत्व जागृत हो जाता है तो उसके बाद हम निश्चित संख्या तक जाप करने के बाद वो मंत्र सिद्ध होता है। अब मंत्र सिद्धि कितने संख्या पर जाप होती है, तो शास्त्रों के अनुसार से जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख जाप करने पर मंत्र सिद्ध होता है। और कहीं कहीं उल्लेख है कि कलयुग में जितने मंत्र के जाप में सिद्ध होता है उससे तिगुना मतलब तीन गुना जाप करने पर मंत्र का सिद्धि होता है। तो इस प्रकार से होता है मंत्र सिद्धि। तो मंत्र सिद्ध जब होता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप मंत्र जाप करते हो और जब वो मंत्र सिद्धि के करीब पहुंच जाता है तो वो आपके कान में गूंजना शुरू होता है। दोनों कानों के बीच एक वाइब्रेशन महसूस होगी। वो वाइब्रेशन नहीं जो कि आप मुंह से अपना मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन नहीं, कान के बीच में एक अजीब किस्म की आवाज़ आती है, मतलब गूंजती है, मंत्र ही गूंजती है। और हर एक मंत्र का गूंज अलग अलग होता है। जैसे कि आप पंचाक्षरी का जाप कर रहे हो तो वो अलग किस्म का मतलब साउंड प्रोड्यूस करेगा दोनों कानों के बीच में। नवाड़ मंत्र का जाप कर रहे हो, अलग किस्म का साउंड, अलग किस्म का वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। दुर्गा माता का अष्टाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे हो तो वो अलग किस्म का जो वो गुंजन होता है हमारे दोनों कानों के बीच में, अलग अलग किस्म का स्टार्ट करता है। जब ये लक्षण दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आपके मंत्र सिद्धि के करीब है। उसके बाद जब आप मंत्र का दो बार चार बार उच्चारण करते हो तो आपको जब डकार आता है, अगर जम्हाई आने लगता है, तो उससे भी पता चलता है कि हमारे मंत्र सिद्ध होने के करीब है। क्योंकि जब मंत्र सिद्धि होता है तो जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र हमारे शरीर में से नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर फेंकती है। तो दैनिक क्रियाकलापों से कुछ नकारात्मक एंटिटी हमारे शरीर में आ जाती है तो वो उस मंत्र जाप से वो दूर होने लगती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो मंत्र में शक्ति आना शुरू हो गया है, वो मंत्र जागृत होने लगता है। और क्या होता है कि मंत्र जागृति के करीब होने पर, सिद्ध होने पर क्या होता है कि अगर आप कुछ खाना में तामसिक पदार्थ या राजसिक भोजन ज़्यादा कर लो, हमसे लोग सब जानते हैं साधक का जो भोजन है एकदम सादा और सरल होना चाहिए। लेकिन अगर आप बाई चांस कुछ ज़्यादा नमकीन, कुछ ज़्यादा खट्टा तामसिक भोजन खा लिए तो आप अगले दिन जब आपका मंत्र जाप का समय होगा या उसके बाद जब आप मंत्र जाप करोगे तो आपके बदन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो खाना से जो नेगेटिविटी हमारे शरीर में होता है उसे मंत्र बदन दर्द के रूप में बाहर निकालती है। इससे भी हमें फील होता है कि हमारा मंत्र जागृति होने लगता है। उसके बाद जब आप मंत्र जागृति करोगे तो अलग किस्म का नशा चढ़ने लगता है, नशा जैसा फील आता है। उसके बाद जब आप मंत्र जाप करते हो तो कुंडलिनी के मूलाधार से कुछ चीज़ ऊपर चढ़ने की जैसे फील आती है। जैसे कि एक तालाब में नहाया जाता है और कोई बच्चा जब ऊपर से कूदता है या कोई पत्थर मारते हैं तो एक वेव आता है। अगर आप तालाब में बैठे हो, तालाब का पानी शांत है और कोई इंसान उस पर कूदता है तो एक
किस्म का छाल, एक तरंग उत्पन्न होता है, वो कैसा फील होता है, ठीक उसी तरह फील होता है जब आप मंत्र जाप करोगे, तो वैसे ही वेव फील होते हैं आपके मूलाधार से लेकर आपके सहस्त्रार तक, पूरी बॉडी में नीचे से ऊपर तक, मतलब एक तरंग का लहर जैसा फील होता है। उसके बाद आपका जब मंत्र जागृत होता है तो मंत्र जाप करने में मन लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद सारा मंत्र शरीर में वाइब्रेशन क्रिएट करने लगता है जब ये सिद्धि के करीब होता है। उसके बाद जब मंत्र सिद्धि करीब होता है तो आपके मांसपेशी जो है फड़कना शुरू हो जाते हैं। कभी हाथ फड़केगा, कभी जांग फड़केगी, कभी आँख फड़केगा, कभी मुँह का मांसपेशी फड़केगी। इससे भी हमें पता चलता है कि हमारा मंत्र सिद्धि के नज़दीक है। और जब आप सो जाते हो तो स्वप्न में उस मंत्र से संबंधित देवताओं का दर्शन होना शुरुआत होता है, तो ये भी ये संकेत करती है कि हमारा मंत्र सिद्ध होने वाला है। और जब आप मंत्र का साधना करोगे और वो सिद्धि के करीब आएगा तो आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाएगी, और जब आप उठोगे तो पूरी रूप से अपना शरीर ऊर्जावान पाओगे। जैसे कि हम आम दिनों में उठते हैं तो कुछ सुस्ती छाई रहती है, अरे उठने का मन नहीं करता, लेकिन जब मंत्र सिद्धि का कगार में होता है तो आपको एक ही बार में आँख खुल जाएगा और आप फुल एनर्जी, मतलब ना कोई सुस्ती होगी, ना कोई आलस्य होगा, मतलब एकदम स्फूर्त रूप से आप अपना काम कर पाते हो। उठने पर ही आप अपना सब काम करने लगते हो, इस हिसाब से एक संकेत ये होता है। उसके बाद अगर आपका मंत्र सिद्ध होने वाला है और आपके जो दैनिक जीवन में काम है या किसी परेशानी में फंस गए हो, तो आप जब इस मंत्र का 2-4 बार ही जाप करते हो तो आपको उस समस्या से निकलने के लिए, उस समस्या से निजात पाने के लिए जो रास्ता है उसके संबंधित विचार आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आने लगते हैं, और ये मंत्र आपको उस समस्या से भी निकाल देता है जब मंत्र सिद्ध होने के कगार पर होता है। उसके बाद आपका जो ब्रह्मरंध्र रहता है, ये शरीर पर जो सहस्रार का भाग है, अगर आप मंत्र का ज़्यादा जाप करते हो, ये मंत्र का तत्व जागरण नहीं, मंत्र के सिद्धि अवस्था में जब आप कभी नहाने के बाद या कभी भी अपना ब्रह्मरंध्र पर हाथ रखोगे तो वहाँ पर गर्म टाइप का फील होगा, आपका सारा सर ठंडा रहेगा, लेकिन एक जो पार्टिकुलर ब्रह्मरंध्र का स्थान है वहाँ पर गर्मी की फील होगी। उसके बाद जब आप मंत्र जाप करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और जब मंत्र सिद्धि के कगार पर आते हैं तो इंसान का शरीर प्यूरिफिकेशन के लेवल पर होता है, तो आप अपने आसपास हुई एनर्जी को भी फील कर सकते हो। जैसे कोई सकारात्मक एनर्जी अगर आपके आसपास है तो उसी हिसाब से आपका शरीर काम करेगा, और आपको पता चल जाएगा कोई सकारात्मक एनर्जी मेरे आसपास है, और अगर आपके आसपास कोई नकारात्मक एनर्जी है तो आपके थॉट में भी आने लगेगा कि मेरे पास कोई नकारात्मक एनर्जी है। इससे भी मंत्र सिद्धि का हमें पता चलता है, और आपके जो चेहरा है उसमें निखार आने लगता है, एक तेज आने लगता है मंत्र के शक्ति के प्रभाव से। ये भी संकेत करता है कि मंत्र जागृति होने वाला है, और किसी भी घटना का हमें पूर्वाभास होने लगता है मंत्र सिद्धि जब होने लगता है। उसके बाद आपके वाणी सिद्ध होता है, हो जाता है, आप जो बोलेंगे वो पूरा होने लगता है, तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि मंत्र सिद्ध होने वाला है या सिद्ध हो चुका है। और जब मंत्र सिद्धि होता है तो आप जिस माला पर जाप करते हो, अगर आप जाप खत्म होने के बाद उस माला को मुट्ठी में बंद करोगे तो उस माला में से एक एनर्जी निकलेगी जो आप फील कर सकते हो अपने मुट्ठी में। अगर आप जाप करते हो रोजाना, अगर आपका कोई मंत्र सिद्ध है तो उस मंत्र का कुछ निश्चित जाप करने के बाद उसे मुट्ठी में पकड़े रहना, फिर खुद फील हो जाएगा कि वो एनर्जी कैसी होती है करके। तो इस हिसाब से मंत्र सिद्धि के संकेत हमें मिलते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही रहस्यमय और रोचक जानकारी तथा ज्योतिष से संबंधित भी विषयों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय माता दी।